हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपना 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, यानी कि 73 इयर्स आज हमारी आजादी को कंप्लीट हो गए, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73 इयर्स हमारी आजादी को हो गए, यानी हम अंग्रेजों से तो 73 इयर्स पहले ही आजाद हो गए, पर क्या हम बाकी प्रॉब्लम से भी आजाद हो पाए। आजादी से लेकर आज तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तब से ही चलती आ रही हैं और आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए और हम उनसे आजाद भी नहीं हो पा रहे। कितनी डिस्कशंस कर ली, कितने जानों ने आकर सॉल्व करने की कोशिश की, हर गवर्नमेंट आती है मैनिफेस्टो में वही प्रॉब्लम्स गिनाती है कि हम इसको दूर करेंगे, इसको दूर करेंगे, और आज तक वो प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स अगर गिनने लगे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि करप्शन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, कास्ट सिस्टम यहां पर है, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज यहां पर हमें अच्छी नहीं मिल पा रही, अमीर लोग रिच पीपल फिर भी ले पा रहे हैं बट पुअर पीपल अभी तक एक्सेस भी नहीं कर पा रहे इन चीजों को, ठीक है। क्लीनलीनेस यहां पर नहीं है, गंदगी बहुत है, और भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आज तक हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए और पता नहीं कब जाके हम सोल्यूशन मिल पाएगा। और आज इसी के बारे में अपने व्यूज रखने वाला हूं मैं। अब इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला, बल्कि सोल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं कि यार हम आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाए इसका सोल्यूशन, बहुत साल हो गए अब तक। अब होता क्या, हम डिस्कशन जरूर करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, बचपन से तो देखते आते हैं हम, ठीक है, वही सब चल रहा है। हम क्या करते हैं, डिस्कशन की हमने कि ये रीजन है, ऐसे ऐसे हो गया, एट द एंड हम डिस्कशन को क्या खत्म करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन मेनली हम गवर्नमेंट को उठाएंगे और उनको ब्लेम कर देंगे कि इनकी ड्यूटी बनती है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना और वो कोई स्टेप नहीं ले रहे, वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं कर रहे पॉलिसीज का, तभी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही और खत्म। फिर कुछ दिनों बाद नई डिस्कशन हम उसी चीजों को लेकर किसी और के साथ शुरू कर देते हैं, मतलब हम दूसरों को ब्लेम करते जा रहे हैं। ये ब्लेम गेम चली जाएगा बट हम खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब खुद सोचो, हमारी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इन चीजों को लेकर, हमारी कोई गलती नहीं है इन चीजों को लेकर। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, अब करप्शन है, हम कह देते हैं कि यार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर ब्राइब दे दो, रिश्वत दे दो और कोई भी काम करा लो। अमीर लोग तो कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो सब काम करवा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं वो नहीं दे सकते, उनका काम भी नहीं हो पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं वो अपने काम करवाने के लिए। बट पहले सोचो कि हमारी गलती नहीं है यहां पर, हम कह देते हैं कि वो पॉलिटिकल लीडर से रिश्वत ले रहे हैं, भाई रिश्वत कोई दे भी तो रहा है तभी वो ले रहे हैं, ऐसे कैसे ले लेंगे, और दे कौन रहा है, हम में से ही कोई लोग, और हम उनको बढ़ावा देते जा रहे हैं और वो रिश्वत लेते जा रहे हैं, यही सिस्टम चलता आ रहा है। और हम क्या करते हैं, एट द एंड प्रॉब्लम भी उन्हीं की निकाल देते हैं, उन्हीं को ब्लेम कर दिया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, खत्म, और यही चल रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम उठाता हूं मैं, क्लीनलीनेस। फिर से हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही, वो सफाई कर्मचारी साफ नहीं करने आ रहे, या ये वो, हम बहुत से ब्लेम करते रहते हैं उनको। भाई गंद आया कहां से, वो आकर गंद डाल रहे हैं या हम अपने गली मोहल्ले में खुद गंद डाल रहे हैं, हम लोग ही तो डाल रहे हैं ना, तो साफ करने की जिम्मेदारी किसकी बनी, हमारी, गलती किसकी हुई, हमारी, बट ब्लेम हमने किसको किया, उनको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं ली। एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं जो कि है रिलीजन के नाम पर लड़ाइयां। भाई सभी रिलीजन हमको क्या सिखा रहे हैं, ह्यूमैनिटी, सच्चाई के रास्ते पर चलो, अच्छे काम करो, अपने कर्म अच्छे करो, दूसरों की मदद करो, यही सब सिखा रहे हैं ना, तो हम सब रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्या, क्यों एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बोलना। आप जिस रिलीजन को मानते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप मानिए, उसको फॉलो कीजिए, वही सब रूल्स को फॉलो कीजिए, बट रिस्पेक्ट तो सबकी कर सकते हैं ना। अभी ये तो मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स के एग्जांपल ले लिए, बट प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और सब में कहीं ना कहीं हम सभी इन्वॉल्व हैं। 130 करोड़ की जनता है हमारे कंट्री में और हम कुछ लोगों को कह देते हैं कि भाई उनकी गलती है, भाई सभी मिलकर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तभी हो रहा है ना, तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बात यहां पर मैं कहूंगा कि हमें एजुकेशन पे काफी फोकस करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन फैसिलिटीज में भी हम लैक कर रहे हैं। जो रिच पीपल है वो तो अफोर्ड कर पा रहे हैं बट जो पुअर पीपल है, बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, उनके पास एक्सेस ही नहीं है एजुकेशन की। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर सब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलने लग जाए तो देश कहां से कहां पहुंच जाए, तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंचा पाए। क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है, हम, मैं रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, वही बुक्स पढ़ी रट्टे लगाए मार्क्स लिए, नहीं, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, समझ की बात कर रहा हूँ, सही गलत का डिफरेंस पता चलता है जब अच्छी एजुकेशन मिले, सोशली अवेयर हो पाता है। अगर हर कोई सोशली अवेयर हो पाएगा तो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी अपने अंदर कि हाँ भाई हमें कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए,
तो अगर सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे मिलकर, तो देश जरूर डेवलप होगा। बस लास्ट में यही फिर से कहूंगा मैं कि भाई ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी हम ठहरा रहे हैं गवर्नमेंट या किसी की, बनती है या नहीं बनती वो बात की बात, पहले खुद देखो, अपने आप को ठीक करो और अपने लेवल पे जिन चीजों का आप सही कर सकते हैं ना वो करना शुरू करो। हम सबको मिलकर करना है, हम सबकी कंट्री है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, हम सब मिलकर अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे और ग्रोथ हासिल करेंगे। मेरे कुछ अपने व्यूज इन प्रॉब्लम्स को लेकर, अब आपको सही लगता है या नहीं लगता या आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। बाकी अगर किसी को बुरा लग गया हो कुछ तो आई एम सॉरी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।